क्लास 10 की एनसीईआरटी की आज हम प्रोबेबिलिटी मतलब चैप्टर 15 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन लिख दिया है और एग्जांपल लिखा है आपको डेफिनेशन समझाने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज पी इज डिफाइंड एज पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ E by number of all possible outcome of the experiment, where we assume that the outcome of the experiment are equally likely. A definition है, हम एक example देखेंगे तो आपको definition के जो lines हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो देखिए हमने एक example लिखा है, जिसमें क्या बोल रहे हैं? The probability of getting hit when a coin is tossed one. तो हमने coin toss किया और उसमें हमें probability of getting hit, hit आने का जो probability है उसे निकालना है। तो देखिए यहां पे क्या है, तो अब बताइए कॉइन एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन टॉस किए। अब ये आउटकम पॉसिबल आउटकम क्या है, अभी अगर आप कॉइन टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, या तो आपके आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, टू हो गए। और क्या क्या हो सकते हैं, वो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अभी हमें यहां पर क्या लिखने निकालने के लिए कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हमें हेड है तो हमने ई पकड़ लिया, एक इवेंट है जिस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट। तो अब बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो ई है वो क्या है, वो वन ही है क्योंकि हेड आने का चांसेस वन ही है, मतलब यहां पे दो में से एक हो सकता है हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है, हेड है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे आपको इवेंट समझ में आ गया, यहां पे इवेंट क्या है, गेटिंग हिट, और हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना मिला, वन मिला, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम वो है टू। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ई हेड है वो है हाफ, मतलब वन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड बाय द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, हाफ मिला। देखिए इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए हमने एक पकड़ लिया, इवेंट पकड़ लिया जो गेटिंग टेल है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम एफ के लिए भी निकाले तो यहां उसका फेवरेबल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो वन होगा, तो उसके लिए भी हाफ होगा। तो देखिए इक्वल लाइकली, वी अज्यूम दैट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इक्वल लाइकली, इक्वल लाइकली मतलब दोनों मतलब जितने भी मतलब पॉसिबल आउटकम्स है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखिए इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो वन होगा। यहां पे बता रहा था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर वन, एलिमेंटरी इवेंट मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं अगर उसे हम एलिमेंटरी इवेंट कहते हैं। तो यहां पे एलिमेंटरी इवेंट कौन से है, गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल। अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम अप करेंगे तो हमें वन मिलेगा। मान लीजिए हमने डाई रोल किया तो क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, वन से लेकर सिक्स आ सकते हैं, और वन से लेकर सिक्स तक का आने का प्रोबेबिलिटी अगर हम सम अप करेंगे तो भी हमें वन मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, तो हम एग्जांपल को देखते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, तो हमने एक डाई को रोल किया है एक बार, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर, एक नंबर निकालना है जो ग्रेटर देन फोर है, आने का चांसेस हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर, और एक नंबर देखना है जो फोर लेस देन और इक्वल टू फोर होगा, ठीक है। तो देखिए हमें एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग अ डाई वंस, तो हमें एक बार डाई रोल किया है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अभी आप बताइए कि अगर एक डाई रोल करेंगे हम तो क्या क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स तक आ सकता है, छह नंबर में से एक आ सकता है, तो नंबर कितने हो गए, छह हो गए। अच्छा अभी हम ले लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर, अभी ई एक इवेंट है जो ग्रेटर देन फोर आने का मतलब इवेंट है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, तब टू होगा, क्योंकि देखिए फोर के फोर से बड़ा कितना है, दो है, फाइव और सिक्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू हो गया। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर, फोर से ज्यादा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. तो नंबर ऑफ इवेल आउटकम है 2, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है 6, तो 1/3, मतलब 2/6 इक्वल टू 1/3. ठीक है, यहां तक तो हो गया. अब हम नेक्स्ट देखिए, ए सेकेंड पार्ट, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, तो देखिए, लेट ए बी अ इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, हमने एक इवेंट पकड़ लिया एफ, जिसका मतलब जो है इवेंट क्या है, हमें एक नंबर मिलेगा जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 होगा. अभी आप बताइए 4 लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 लेस देन 4 है और 4 इक्वल टू 4 है. ठीक है, तो अभी हमें तो नंबर ऑफ इवेल आउटकम 4 हो गए, 1 2 3 4. ठीक है, तो अभी देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, वो कितना है, 4/6, मतलब 2/3. नंबर ऑफ इवेल आउटकम है 4, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है 6, तो 4/6 इक्वल टू 2/3. ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हम PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, प्लस PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, अगर इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमें 1 मिल रहा है. और वहां पे जो E है वो है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 और F जो है गेटिंग नंबर लेस देन 4. तो हम ये कह सकते हैं कि जो F है वो नॉट E है, मतलब जो नॉटी, मतलब जो ई इवेंट में नहीं है वो सब एफ में है. क्योंकि देखिए एफ में कौन कौन से नंबर है, एफ में है वो नंबर जो 4 से, मतलब 4 से लेस देन और इक्वल टू 4 है. और ई में कौन सा था, ई में था कि ग्रेटर देन. तो जो एफ है नॉट ई, मतलब जो ई नहीं है. तो देखिए हमने देखा अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1 था, तो हम एफ की जगह पे नॉट ई लिख सकते हैं. अभी देखिए नॉटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ई. ठीक है, तो दोनों का सम 1 होता है. और कॉम्प्लीमेंटरी कैसे निकालते हैं, आप 1 माइनस 1 से जो मेन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, उसको माइनस कर दीजिए, आपको कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ई मिल जाएगा. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए हमने और कुछ एग्जांपल्स लिखा है, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या है, रोलिंग आर डाई वंस, हम एक डाई को एक बार रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी क्या निकाल, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से एक नंबर आएगा. तो नंबर ऑफ टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम 6 है. और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, अभी बताइए कि अगर एक डाई को रोल करेंगे हम तो उसमें 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या 8 आ सकते हैं एक डाइम थ्रो करेंगे, तो नहीं आ सकता है. तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा वो भी 0 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 0. तो देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0. मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया. अब इसे बताइए आप, अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें 0 का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कॉइन टॉस करेंगे तो वहां पे हेड आएगा या टेल आएगा, 0 नहीं आ सकता. तो वहां पर भी जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 0. और ऐसे मतलब जो इवेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7. अभी बताइए आप कि अगर एक डाई को रोल करेंगे तो 7 से नीचे आने का एक नंबर मिलेगा हमें, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 है. क्यों, आप कोई भी नंबर मिलेगा वो 7 से छोटा होगा, क्योंकि डाई में जितने भी नंबर होते हैं वो सब 7 से छोटे होते हैं. तो नंबर ऑफ इवेल आउटकम वो भी 6 है और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम वो भी 6 है. तो 6/6 यहां पे आएगा, 6/6 इक्वल टू 1. ठीक है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज श्योर और सर्टेन, मतलब उसको मतलब वो होगा ही. ठीक है, जैसे एक मतलब ऐसे ए वाला एक हो गया. तो देखिए आपको उम्मीद करता हूं जो इम्पॉसिबल इवेंट है और जो सडन इवेंट है या श्योर इवेंट है वो आपको समझ में आ गया. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी पी वी सी दैट द न्यूमरेटर द नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट ई और इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम.
तो देखिए यहां पे बता रहा है कि जो अभी जो हम इवेंट देखे थे, इवेंट देखे थे वो जो था उसके डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन बता रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। और जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो हमेशा मतलब जो ऑल आउटकम है उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। बराबर कब होता है? जब रेशियो इवेंट होता है, और छोटा नॉर्मल केस में हो जाता है। और देखिए तो ये तो हो गया। और जीरो मतलब जीरो कब होता है? जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो हम कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा जीरो से वन तक लाई करता है। मतलब तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा या उस, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जीरो हो सकता है या जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। और जो वन होगा मतलब प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा वन के बराबर होगा या वन से छोटा होगा, मतलब जीरो से वन तक वो लाई करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पार्ट पढ़ा है, हमने प्रोबेबिलिटी इसके बाद देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो है उसमें फेवरेबल आउटकम कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट देखा है, इसके बाद देखा है इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, और लास्ट में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो से वन तक लाई करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो इसका एक्सरसाइज पार्ट है वो देखेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।